गया था मैं वहाँ सेवनटीन सप्टेम्बर नाइनटीन नाइन्टी एट को मेरे सामने एक लड़की आई वो थी रुशाली उसका अभी का नाम सौरा है <coughs> उधर हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग मिले उस शो में मैंने वही गाना गाया था छैया छैया उसी परफॉर्मेंस के साथ वो जब मैडम ने देखा तब वहां से हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई है <laughs> आलोक जी के बारे में इंटरेस्टिंग बातें सुनते आ ही रहे आप लोग थोड़ा सा मैं कुछ और कहना चाहूंगी एज अ वाइफ एक स्पेशल बात उनके बारे में है मम्मी डैडी का बहुत ख्याल रखते हैं मतलब कहीं भी हम जाए शो में या कहीं भी जाते हैं हम लोग घर से बाहर निकलते वक्त पहले मम्मी डैडी को भले भगवान को प्रणाम ना करें लेकिन मम्मी डैडी को प्रणाम करके जरूर निकलेंगे ही इज अ वेरी नाइस कुक सो पाव भाजी मुझे याद करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड मैंने कब लास्ट बनाई थी सो ही मेक्स अ वंडरफुल पाव भाजी <laughs> बहुत बार मैं शो में जाती हूँ उनके साथ हमेशा रादर हमेशा जाती हूँ उनका बहुत सारा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ और मतलब काफ़ी लोग आ, मुझे जब मिलते हैं आलो कर दरे, आलो कर दरे आज तेरी वजह से है तो हा, मैं हा। क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया है मैंने सिर्फ जो अच्छा टैलेंट उनमें है वो सिर्फ मैंने लोगों के सामने रखने की सिर्फ एक कोशिश ने, है इंटरप्ट इसलिए करना कहना चाहूँगा कि क्या है देखिए सिंगर का अच्छा होना ये तो गॉड गिफ्टेड है लेकिन क्या है उसका एक प्रमोशन होना भी बहुत जरूरी है एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि इतने सालों से मैं उनको सुनती आ रही हूँ ऑलमोस्ट इट इज लाइक 25 फाइव ईयर्स वी आर टूगेदर बट मुझे ऐसे नहीं लगा मैं 25 साल से वही जय जय शिव शंकर आलोक के मुंह से सुन रही हूँ लेकिन मुझे एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे आज तुम्हारा ये गाना मुझे सुन के कंटाला आया है उनकी आवाज़ सुन के या उनके गाने सुन के रीजन मैं रिजन, बोर नहीं होती हूँ रीज़न मैं फिर से वही बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हूँ मैं बहुत अच्छे सिंगर्स के साथ हूँ लेडी सिंगर्स भी लीजिए जेंट्स सिंगर्स भी लीजिए और सबसे टॉप ऑफ द अच्छे साउंड इंजीनियर्स और अच्छे म्यूजिशियंस जो अभी आ, नमस्कार एंटरटेनमेंट डेफिनेटली ऐसे सिंगर्स और ऐसे म्यूजिशियंस को आपके सामने लाएगा तभी आप देखोगे कि मैं किन के साथ काम कर रहा हूँ इतने टैलेंटेड लोगों के साथ आप जब काम करते हो ना तो टैलेंट आप आप में आप में भी आ जाता है। <laughs> अगर मुझे कुछ कोई पूछता था था कि 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 यार ये 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 गाना कैसे गाना कैसे चाहिए, तो 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 मैं मैं मेरी जो सोचता ना ना इसको इसको ऐसे तो ये होगा, इसको ऐसे गाओ गाओ होगा, तो सामने को लगेगा। तो उसमें होता इसने कहा वर्कशॉप वर्कशॉप करते ऑफ एक घंटा एक आदमी को बोलने से अच्छा है कि तुम एक घंटा या दो घंटे या तीन घंटे पचास आदमी लोगों को बोलो और यही so हमें फायदे देखो जो होता है वो कितने अच्छे के लिए होता है कोविड yes. के इस समय सब बंद था सिर्फ हम लोग ऑनलाइन जो करना तो तभी उन, उसने विशाली ने इसी में मेरे टेक्निक ऑनलाइन शोज फायदा uh, उठाया और ऑनलाइन शोज ऑनलाइन वर्कशॉप या पर्सनल यानी फेस टू फेस हम लोग जो तो ऐसे मैंने 500 मैंने ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन सेशन वन ऑन वन 500 सेशंस ही -on uh, took इन कोविड फिर मेरा दिमाग चलने लगा कि ऐसे ही बैठ के कितने दिन तक रहेंगे हमारा माइंड विश इट शुड बी ऑक्यूपाइड सो मैंने बोला कि शुरात, नहीं शुरुआत हुई तुम ऐसे ही गाओ <laughs> तुम ऐसे ही गाओ डेली कि लोगों को एंटरटेन करो वहाँ से शुरुआत हुई तो लोगों को अच्छा लगने लगा कि वो सब लोग आते थे साढ़े दस बजे इंतजार करते थे आलोक आएगा आलोक आएगा उस शो में हम ये देखते थे ऑलवेज दैट देर इज सम और द अदर सिंगर विद आलोक जी आलोक जी इज नॉट सिंगिंग ऑन हिज ओन पहले दो शोज हमने वैसे उनको भी, भी बुलाते थे हम सो दैट एक एटलीस्ट एक सिंगर को हम उस महीने का उसका जितना भी महीने का राशन का वो है दैट वी यूज्ड टू पे हिम और हर और मतलब कोविड में ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सिंगर्स को बहुत सारे हाँ, को हमें बुलाया हमने था उसमें ताकि ताकि उनका ताकि उनको उनका हो कुछ कुछ उनको हो सके कुछ कुछ ना सोर्स हमेशा हमेशा के पीछे जाती है <laughs> <laughs> यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है <laughs> नहीं, मुझे वो उनमें स्पार्क दिखा ये लंबी रेस का घोड़ा घोड़ा आज घोड़े पे बैठी है वो <laughs> <laughs> दक्षा जी आमीन उन्होंने कहा मुझे कि क्यों ना हम जॉइंटली शो स्टार्ट London, करें लंदन की, की, की वो ऑर्गेनाइजर है वो वहाँ से और मैं यहाँ से तो हमने कहा कि वाई डोंट वी जस्ट क्लब टुगेदर एंड देन वी जस्ट गो अहेड सो हमने दोनों ने मिलके डीएस एंटरटेनमेंट करके फॉर्म किया और डी एस एंटरटेनमेंट के तहत लंडन में भी शोज होते हैं इंडिया में भी शोज होते, है, होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और ताज़ा ताज़ा खबर अभी मेरा इंटरव्यू इंटरव्यू चल रहा है उसका भी फायदा उठाता हूँ मैं सॉरी नमस्कार एंटरटेनमेंट लेकिन क्या है वो जाएगी नहीं आदत <laughs> दस मई को टेंथ मई को डी एस इंटरटेनमेंट यानी वैशाली सौरा और दक्षा जी इनसे इन्होंने मिलकर जो एक शो ऑर्गेनाइज किया है इसका नाम है हम दोनों हम दोनों जिसमें मैं और मोना प्रभु गाँवकर कामत प्रभु गाँवकर ये मेरे साथ मोना होगी और ये कंसेप्ट भी सोना ने डिजाइन हाँ, किया हुआ है डिजाइन किया उसका पहला शो हमने प्रबोधन में किया था लेकिन दूसरा शो हम लोग करने जा रहे हैं दीनानाथ मंगेशकर हॉल में 10 मई को तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उस शो में आए क्योंकि उस शो में मैं सिर्फ किशोर कुमार नहीं गा रहा हूँ तो मैं कुमार सानू उदित नारायण विनोद राठौड़ अभिजीत के के उदित नारायण सब गा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग आए Thank you so much. Once again, Namaskar Entertainment. Thank you so much.